से बोल थोड़ा मुझे लेकर आइए इंदौर से, यहाँ पर उसको टाइम नहीं मिलता था ना, तो यहाँ पर हमने मंगाया कि यार लेकर आना, पर यहाँ पे बन गया। अब ये देखो भाई खाना खा रहा है, आधी रात को आया है वो जा रहा है, क्या लेके आएगा, उसको सब खाना पसंद नहीं है। आज आपने क्या क्या बनाया मम्मी? आज हमने बनाया दाल चावल और आलू टमाटर की सब्जी, मीठी सब्जी, और मेरी बेटी आने वाली थी तो आलू के पराठे बनाए। यही है मम्मी, ये है बेटी जो लेके आई है ब्लॉग, आलू के पराठे, ये भाई खाना खा रहा है, इसको थाली नहीं मिल रही है, रोटी लेके खाता है, इतनी सारी थाली रखी है लेकिन हाथ में रोटी लेके खाना खा रहा है और नीचे मुंह करके हमारा पहला ट्राई है, ट्राई कर रहे हैं। देखिए घड़ी में कितने बज रहे हैं, क्या 12:05। बेटी आती है तो हम लोग ना 1 बजे तक बातें करते हैं, क्योंकि मैं 7 दिन में आती हूँ, 7 दिन में आती है तो हम नहीं चाहते फिर ये सुबह देर से, मैं बहुत चिल्लाती हूँ। ये देखो मैं बहन गिर गिर, ये हो रहे बोल तो मेरे 3 बच्चे रहती, मेरे 3 बच्चे, मैं दिन भर हो जाता घर में काम करते करते परेशान हो जाती हूँ, उनको चिल्लाते चिल्लाते इतना तो बता डब भाई बहन में करते बैठे, जिसमें मैं भाई को भी पैसे नहीं देता, भाई तो बुलाता रहे क्या भाई, अभी कहाँ गया था भाई बताओ, इधर देख चंदा लेने गणेश जी का, गणेश जी का चंदा लेने गया था, अरे सियोर सियोर भी गया था, सियोर बताना अच्छे से ना, मुझसे गया था, रक्षा बंधन मनाने बनाने गया था, आगे देखी मेरी राखी, मेरे 3 बहनों ने बांधी गणेश जी की राखी, फोकस नहीं आ रहा है और बोलो, तो उन्होंने ना ये भाई गया था तो जैसे कि सी नानी भाई तो एक ही ले रहा था, तो नानी ने 3-3 ड्रेस ले ली, ले ले जो अच्छी लगी पहन पहन के, देखी उसने दिखाइए दो ड्रेस नानी ने दिलाई, तो उसकी तो अच्छी दिवाली बन गई, मैं मेरे बेटे को दिवाली पे नहीं दिलाऊंगी फिर, क्योंकि मेरे बेटे के पास तो कपड़े नहीं है, हमने दोनों मेरी बेटियों के लिए और मम्मी के लिए, मम्मी के लिए भी ऐसे करिए, ये मेरी मम्मी ने मेरे को साड़ी दी थी, मैं गई नहीं थी राज्य, तो मेरे पास बहुत सिलाई का काम था शुरू, मेरा वैसे नहीं रही प्यारी, और ये मेरा भाई दिन भर कांच में ही अपनी शक्ल बिगाड़ कर देता है, और ये मेरी बहन है जो जॉब करती है, 11 बजे रात में आती है और अब उसे बहुत ही नींद आ रही है, और सुबह 9 बजे उठती है रोज, यस मैं 9 बजे उठती हूँ, वो भी मम्मी के डांटने के बाद, खाती हूँ बेटी को फिर मैं लंच बनाती हूँ, लंच में मुझे सिर्फ
देखिए कितनी दुबली हो गई। देखिए मेरी डाइटिंग क्या था प्लीज मेरे ऊपर नहीं तो पेट दिख जाएगा। मेरे वेट बता तेरा कितना। ये भी मेरी एक बहन है। वेट बता मेरा। ये भी मेरी एक बहन है। चलो बहुत गंदा। ये मेरा भाई है जो इंजीनियरिंग कर रहा है बट पढ़ता ही नहीं। हम आपको सुबह मिलते तो चलिए अब हम आपको सुबह बताएंगे कि क्या होता है हमारे घर में। सुबह मम्मी कैसे उठाती है और क्या लंच बनता है और सब बताएंगे। चलिए गुड लाइक करना। बस वो अपने आप ही हो जाएगा अब एडिटिंग। इसको सफाई तो ठीक है पसंद है कि नहीं वो अलग बात है पर इसको गद्दे पे कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए कैसी क्लीनिंग कर रहा है। अभी से इंदौर चल से ब्लॉग स्टार्ट करेंगे बट फिर। हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं अभी नहा कर निकली हूँ और लंच बना लिया है। अब मैं ऑफिस के लिए रेडी हो रही हूँ और फिर मैं बताती हूँ क्या। हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग। अभी जस्ट मैं नहा कर निकली हूँ और थोड़ा सा टाइम था मेरे को अभी ऑफिस जाने में तो मैंने सोचा आप लोगों से बात कर ली जाए। आपने मेरी मम्मा के व्लॉग देखे होंगे आई होप आपको पसंद आ रहे होंगे। अब से आप थोड़े यहाँ के और व्लॉग में थोड़ा मुझे भी देखेंगे। मेरा ऑफिस का टाइम है 9 से 5:30। अब पता नहीं वहाँ पर शूट करना किसी को पसंद आए या ना आए तो मैं अभी अपने रूम पर हूँ। यहाँ जब संडे घर जाएंगे तो मम्मी से मिलेंगे और अभी मैं रेडी हो जाती हूँ फटाफट। उसके बाद आप लोगों से फिर से मिलती हूँ। बाय। हेलो फ्रेंड्स। तो आपको क्या हमारे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं? अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। उसके लिए सिर्फ आपको एक लाइक करना होगा। दोस्तों मैं रेडी हो गई थी उसके बाद मुझे पता चला ये चप्पल पर कुछ लग गया है। जाते जाते हेलो फ्रेंड्स। मुझे पता चला कि अंकल ने मोटर चालू कर दी है तो थोड़ा पानी भर लेते हैं जाने के पहले फटाफट। चलिए आइए। फ्रेंड्स तो अब मैं चलती हूँ वरना बस लेट हो जाएगी।
उप्स बस नहीं मैं लेकर जाऊंगी मास्क ढूंढ। दोस्तों हमारे ऑफिस में मास्क लगाना कंपलसरी है तो मास्क भी लगा लिया है मैंने। अब चलिए चलते हैं बाहर। देखिए हमारी कॉलोनी में कार ही कार है, देखिए अगेन कार ही कार एंड डॉगी। इट्स 7:30 इन द मॉर्निंग। तो दोस्तों अभी आधा ही रास्ता हुआ है, अभी और चलना है। मेरा स्टॉप थोड़ा 10-15 मिनट की दूरी पर है। फ्रेंड्स मैं बस स्टॉप पर आ गई हूँ। देखिए किस तरह से कितने कोचिंग वगैरह जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स मैं 2 दिन से थोड़ा लेट हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा कि आज जल्दी चलते हैं। अभी मेरे पास 5 मिनट है तो मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ फटाफट। अभी ऑफिस चलते हैं मंदिर। तो दर्शन हो गए हैं, अभी ऑफिस जाते हैं और फिर अटेंडेंस लगवाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। दोस्तों आपको एक बहुत सुंदर चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए। ये हमारे गार्डन में लगी हुई है, हवा चलने पे बहुत अच्छी साउंड आता है। ये ट्रैवल है हमारा सेकंड फ्लोर। तो गाइस ऑफिस में आ गई हूँ मैं, अब थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं, कंघा वंगा कर लेते हैं, बस में सारे बाल उड़ जाते हैं इसलिए, फिर आपसे मिलते हैं। ये है मेरी टेबल, को लाइक कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। फ्रेंड्स लंच टाइम ओवर हो गया है, देखिए 2 बज गए हैं, अब हम आपसे कल मिलते हैं। बाय।